राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। अमृत महोत्सव के तहत गार्डन का नाम बदला गया है। उद्यान के बाहर अमृत उद्यान नाम का साइन बोर्ड भी लगा दिया गया है। अमृत उद्यान मुगल गार्डन में 12 किस्म के ट्यूलिप के फूल होते हैं। अब उद्यान भी हर साल की तरह इस बार भी आम लोगों के लिए खुलने वाला है, जहां लोग गुलाब के फूलों का दीदार कर सकेंगे। 31 जनवरी से खुलेगा गार्डन। हर साल अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, जो अब 31 जनवरी को खुलेगा और 26 मार्च तक 2 माह तक के लिए खुला रहेगा। गार्डन खुलने का समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 28 मार्च को किसानों के लिए, 29 को दिव्यांगों के लिए और 30 तारीख को पुलिस और सेना के लिए खुलेगा। अमृत उद्यान का टाइमिंग सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 7500 लोगों के लिए टिकट मिलेगा। इसके बाद 12 बजे से 4 बजे तक 10,000 लोगों को प्रवेश मिलेगा। यह राष्ट्रपति भवन में उद्यान भवन की तरह होगा। उद्यान में 12 तरह के विशेष किस्म के ट्यूलिप के फूल लगाए हैं। गार्डन में सेल्फी पॉइंट भी है। साथ ही यहां फूड कोर्ट भी चालू रहेगा। लोग QR कोड से पौधे की किस्मों की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही यहां 120 प्रकार के गुलाब हैं और 40 खुशबू वाले गुलाब हैं।